साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फाइटर में। तो आज हम भूगोल के 1000 प्रश्नों की सीरीज को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फोर्थ वीडियो है। इसी क्रम में हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो ये आपकी पड़ती हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के भी नाम से जानते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कालसुबई। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है परीक्षा में। नेक्स्ट है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ये तो दोदाबेट्टा है। नीलगिरी के दक्षिण में कौन सा दर्रा है? तो ये पालघाट है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? तो ये अनाईमुदी है। ये भी काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाईमुदी किस पहाड़ी पर है? तो ये अनाईमुदी जो है वो अन्नामलाई पहाड़ी पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, पारादीप उड़ीसा, कलकत्ता पश्चिम बंगाल, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, तूतीकोरिन और एन्नौर, ये दोनों तमिलनाडु में पड़ते हैं, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नौर। नेक्स्ट है, पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून कौन सी हैं? तो पुलिकट तमिलनाडु में है, चिल्का झील है ये उड़ीसा में पड़ती है, तथा कोलेरू ये आंध्र प्रदेश में है। ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट इज, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी तट के बंदरगाह और पूर्वी तट के बंदरगाह, ये बहुत ध्यान से आपको याद करने हैं, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई बंदरगाह अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो कांडला बंदरगाह जो है वो गुजरात में पड़ता है, और ये पिछली बार पूछा भी गया था। मुंबई महाराष्ट्र मुर्मगांव ये भी पूछा गया था। मंगलौर ये कर्नाटक में है। नावा सुबा ये महाराष्ट्र, ये भी पूछा गया था। कोच्ची केरल, तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, कांडला गुजरात, मंगलौर कर्नाटक, और नावा सुबा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत में कितने द्वीप समूह हैं? तो दो द्वीप समूह, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप समूह। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप कहाँ है? तो लक्षद्वीप ये अरब सागर में पड़ता है। ये आपका लक्षद्वीप समूह है, ये अरब सागर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार भूमि कहाँ है? तो ये राजस्थान में। थार को राजस्थान का मरुस्थल भी कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले भारतीय क्षेत्र काला पानी, तो काला पानी को बता दिया गया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी की सजा के नाम से मुलायम को वहाँ भेजा भी जाता था। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, जो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। सियाचिन ग्लेशियर ये जम्मू कश्मीर पर पड़ता है। डंकन पास ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की मुख्य भूमि रामेश्वरम द्वीप को कौन अलग करता है? ये आदम का पुल है, ये भारत और लंका के बीच में पड़ता है, राइट। अगला क्वेश्चन है, इसी सीरीज में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? तो महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपका उड़ीसा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य पड़ती हैं। खैबर दर्रा कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ता है। जवाहर सुरंग ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग पाकिस्तान, जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो ये बनिहाल दर्रे को दिया गया है। थोड़ा देर हम रुकते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है?
तो ये आपका सिक्किम में पड़ता है। ये काफ़ी पूछा गया ये क्वेश्चन, बोमडिला द्वीपू किस राज्य में है, तो ये अरुणाचल राज्य में है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जोजिला, ये जम्मू में भी पूछ लिया जाता है, जोजिला दर्रा किस राज्य में, तो जम्मू होता कभी लद्दाख होता, तो ये जम्मू हो तो जम्मू, नहीं तो लद्दाख में आता है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किन दो दर्रों से होकर जाता है, तो बनिहाल, बनिहाल दर्रे के में बताएं, ये जवाहर सुरंग जो है वो बनिहाल दर्रे में स्थित है। ठीक, जवाहरलाल, इसकी ट्रिक है कि जवाहरलाल बनिहाल नहीं पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के व्यापार को बढ़ाने के लिए किस दर्रे का उपयोग करते हैं, तो नाथुला दर्रे से होकर जाते हैं। ये 2006 में खोला गया था। इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैंडल पीक। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो ये पोर्ट ब्लेयर है, ये दक्षिणी अंडमान में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित हैं, तो ये अरब सागर में है। और अगर पूछ लिया जाए आपसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है, तो वो आपका पड़ता है बंगाल की खाड़ी में। पम्बन द्वीप कहाँ है, तो ये मन्नार की खाड़ी में है। बैरन द्वीप कहाँ है, ये अंडमान द्वीप समूह है। बैरन, भारत के ज्वालामुखी कौन से हैं, तो बैरन और नारकोंडम, ये ज्वालामुखी में आपको पूछ लिया जाएगा। नीमूर द्वीप कहाँ से, तो ये अंडमान सागर में है। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी की, तो सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन जो जगह है वो पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है, इस कारण वहाँ पे सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है, तो ये लद्दाख है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा शुष्क रहता है, तो बहुत ज़्यादा जो है सूखी रहने की वजह से उसको शीत मरुस्थल कहते हैं। बहुत ज़्यादा वैसी ठंड रहती है शुष्क टाइप में, यहाँ पर मिट्टी जो होती है मारो बर्फ़ में तो एकदम फुहार की तरह उड़ जाती है। तो यहाँ से रिलेट करना, भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 29 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 29वां राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना। केंद्र शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली किन दो राज्यों के बीच स्थित है, तो ये गुजरात और महाराष्ट्र। ये ना थोड़े कठिन क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट भी है। दादर व नगर हवेली की राजधानी कहाँ थी, सिलवासा में। नेफा के नाम से किस राज्य को जानते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर है। ये कहाँ पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर, तो दक्षिणी अंडमान में। अगला है, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहते हैं, तो जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहते हैं। इसी सीरीज में आइए, अगला क्वेश्चन है, थार भूमि कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पहले भारत का कौन सा क्षेत्र कालापानी के नाम से जाना जाता है, तो ये अंडमान निकोबार है। और आपने देखा होगा कि जो पहले कालापानी की जो सज़ा होती थी, तो वहाँ पर हम जो मुलजिम होते थे उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेज दिया जाता था, तो हवाई यात्रा ना होने के कारण वो लोग वहीं बरसों तक रहते थे, वहीं पर अपने प्राण त्याग देते थे। इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीन नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है, तो ये जो राज्य है वो सिक्किम है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार पूछा भी गया था इसी सीरीज में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये आपका आ जाएगा जम्मू कश्मीर। सियाचिन ग्लेशियर पर आर्मी के जो नए लड़के होते हैं, तो उनको 3 साल के लिए रखा भी जाता है, और हर व्यक्ति को 3 साल सियाचिन ग्लेशियर जाना होता है। यहाँ पर भारतीय क्षेत्र के बहुत से जो है लोग, मतलब वहाँ पर शहीद हो चुके हैं, तो ये आप ध्यान रखना कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में। डंकन पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पास किसके मध्य है, तो ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, तो ये आदम का पुल। आदम के पुल से आप, मुझे ध्यान आया कि ये कहाँ पर है, ये काफ़ी पूछ लिया जाता है, तो ये आदम का पुल है, भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर स्थित हैं,
तो महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। इनका मैक्सिमम भाग है वो उड़ीसा में पड़ता है। खैबर दर्रा ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ये भी पूछा गया कई बार। जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है ये नाम? तो जवाहर जो सुरंग है वो बनिहाल दर्रा, इसको आप ऐसे रिलेट करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू थे वो बनियान नहीं पहनते थे, वो इतना अमीर थे कि वो बनियान नहीं पहनते, वो ना उनका जो कुर्ता था वो लंदन प्रेस होने जाता था, तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि जवाहरलाल सुरंग है वो बनिहाल दर्रे से होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। नाथला दर्रा किस राज्य में? और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिक्किम में। ये बोमडिला दर्रा किस राज्य में? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? तो ये लद्दाख में है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। भारत और चीन के व्यापार को, तो ये नाथला दर्रों को खोल दिया गया है भारत और चीन व्यापार के लिए। अब आइए नदियों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, नहीं दर्रे से संबंधित दो चार क्वेश्चन अभी रह गए हैं। तो सिक्किम राज्य कौन सा दर्रा स्थित है? तो नाथला और जलेपला, ये दोनों सिक्किम में हैं। पांचाल दर्रा ये हिमाचल में है। बुर्जिल दर्रा तो जम्मू में। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? गुड, ये थालघाट है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट। इसको आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि जो कलकत्ता है वो नासिक से पहले आता है, तो कलकत्ता जो जब सूर्य निकलेगा तो कलकत्ता में क्या होगी? भोर। तो भोर कहाँ होगा? तो पहले कलकत्ता में होगा फिर नासिक में होगा। तो पहले जो है भोरघाट कहाँ आएगा? कलकत्ता। मुंबई वाला जो है वो भोरघाट के नाम से हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नदियों से संबंधित, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जानते? तो ये पद्मा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में गंगा को। काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा जो नदी है वो भारत की है और ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपकी चीन से होकर आई है। तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, इसी नदी के मुहाने पर बनता है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, छोटी छोटी बंडे एग्जाम में ये खूब पूछा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। और ये नदी शोक का मतलब ये बहुत ज़्यादा मार्ग बदलती है, तो मार्ग बदलने के कारण ये जिगजैग मार्ग बदलने के कारण यहाँ काफ़ी जो है क्या होता है क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, तो इसलिए इस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहते हैं, इसी तरीके से दामोदर नदी वहाँ कहर मचाती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा जो नदी है वो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। भ्रंश द्रोणी का मतलब बहुत गहराई में होकर बहती है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी, तो ये गोदावरी है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और खूब पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी आपको पता ही होगा कहाँ पर है, तो ये पूर्व की तरफ है, साउथ से पूर्व की ओर। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी, तो ये सिंध नदी है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो ये नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियाँ ऐसी हैं, इनके बाद दो नदियाँ और आती हैं। इसकी हम एक अलग से ट्रिक बना देंगे पूरा वीडियो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। एक साबरमती नदी भी है, वो पश्चिम की ओर बहती है, और नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। कौन कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में है। ये पिछली बार वनडे एग्जाम रेलवे में पूछा गया था। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जानते हैं? तो गोदावरी को, अभी मैंने बताया भी था गोदावरी के बारे में, तो बृहद गंगा के नाम से तो जानते हैं। दक्षिण भारत की ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? ये भी अभी हमने बताया था, तो ये कोसी नदी है। ये कहाँ पड़ती है? ये बिहार में है। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक? तो ये ब्राह्मणी है। तो ये तीन नदियाँ हैं, इनको शोक के नाम से जानते हैं, दामोदर जो है पश्चिम बंगाल, कोसी बिहार और ब्राह्मणी उड़ीसा। ये तीन नदियाँ जो है ये शोक कहलाती हैं अपने अपने राज्य का। इन सब में सबसे खतरनाक है वो है ये कोसी नदी। इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण कौन करता है? तो ये नर्मदा नदी है। इंडो ब्रह्मा क्या है? ये पौराणिक नदी है, ये खूब पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी नदी विश्व
का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझली बनाती है तो ब्रह्मपुत्र नदी है ये। अगला है रिष्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी, तो ये ताप्ती है, ये अभी मैंने रिपीट हो गया है क्वेश्चन। दामोदर नदी कहाँ गिरती है, तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और कहाँ गिरती है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों पर निर्मित होता है, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर निर्मित होता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, और इसी नदी पर सुंदरबन पाए जाते हैं। किस स्थान पर भागीरथ और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं, तो ये आपकी जगह है वो है देवप्रयाग। यहाँ पर जब गंगा नदी दोनों तरफ मिलती है तो ये देवप्रयाग के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है नदियाँ और उनके उद्गम स्थल, तो झेलम जो नदी है वो आपके शेषनांग झील से निकली है, यमुना यमुनोत्री से निकली है और गंगा गंगोत्री से निकली है। इसी तरह आपकी जो सोन है, सोन नदी वो अमरकंटक से निकली है। ब्रह्मपुत्र चेमियुंगडुंग हिमनद, इसकी ट्रैक है चेमियुंगडुंग हिमनद ब्रह्मपुत्र नदी, ये मुझे आज भी याद है, बहुत अच्छी है ये। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, चेमियुंगडुंग हिमनद, ये तिब्बत में पड़ता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोदावरी नदी ये कहाँ से निकली है, तो ये नासिक से निकली है, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, दक्षिण भारत की सबसे कैसी नदी है, महत्वपूर्ण नदी है। अगला क्वेश्चन है तुंगभद्रा ये कहाँ पड़ता है, ये तो कर्नाटक में पड़ता है। तुंगभद्रा जो है ये कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। अब आ जाइए बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो ये आपकी हो जाएगी भाखड़ा नागल बांध पर बनी हुई है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है, और ये किस बांध पर है, भाखड़ा नागल बांध पर है। और भाखड़ा नागल बांध जो है वो किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर है भाखड़ा नागल बांध, तो ये सतलज नदी पर है। अगला क्वेश्चन है फारक्का परियोजना, फारक्का परियोजना है ये पश्चिम बंगाल में है, गंगा नदी पर है। काकरापारा परियोजना ये ताप्ती नदी पर है, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है उकाई परियोजना, ये भी ताप्ती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिहंद परियोजना, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और रिहंद नदी पर है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूपी के क्वेश्चनों में पूछी जा सकती है। रिहंद परियोजना किस नदी पर है और कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में और रिहंद नदी पर। भाखड़ा नागल परियोजना ये हमने अभी बता दिया था कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर पड़ती है, तो ये सतलज नदी पर है। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो ये दामोदर नदी पर है। हीराकुंड बांध परियोजना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध परियोजना है तो ये महानदी पर है, और महानदी कहाँ पड़ती है, ये उड़ीसा में पड़ती है। तो अगला क्वेश्चन है आपका नागार्जुन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना ये कहाँ है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा नदी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है इडुक्की परियोजना, तो ये इडुक्की परियोजना कहाँ है, ये पेरियार नदी पर है, और ये कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। अगली परियोजना है टेहरी, ये भागीरथी नदी पर है, भागीरथी कहाँ पड़ती है, तो उत्तराखंड में पड़ती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। माता टीला परियोजना ये कहाँ पर है, बेतवा नदी पर है, ये बेतवा नदी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में पड़ती है। अगला आइए कोयना परियोजना, ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है, ये आपकी महाराष्ट्र में पड़ती है। नेक्स्ट है आपका राणा सागर, इसकी एक मैंने ट्रिक बनाई थी कि गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर, ये तीनों किस पर हैं, गांधी सागर इसमें दिया नहीं है, राणा सागर प्रताप परियोजना, जवाहर सागर प्रताप परियोजना, और एक है गांधी सागर परियोजना, ये तीनों किस नदी पर हैं, ये तीनों जो है चंबल नदी पर हैं, तो गांधी राणा जवाहर चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है तुलुल परियोजना, तुलुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है,
ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और खूब पूछे जाते हैं। दुलस्ती ये चिनाव नदी पर है। चिनाव नदी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। तिलैया परियोजना ये इतना नहीं पूछा जाता। सरदार सरोवर परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नर्मदा नदी पर है और ये गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और राजस्थान ये इससे लाभान्वित राज्य हैं। अगली है हिंडकल परियोजना। तो हिंडकल परियोजना जो है कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है और घटप्रवाह नदी पर है हिंडकल परियोजना। तो हिंडकल परियोजना कहाँ है? घटप्रवाह नदी पर कर्नाटक में स्थित है। अगला आ जाइए नदियों पर बने बांध। तो कौन कौन से बांध हैं जो नदियों पर बने हैं? तो सबसे ऊंचा बांध है ये टेहरी बांध है और भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो हीराकुंड बांध है और जो भाखड़ा नांगल बांध है वो किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध कहाँ और किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है और उड़ीसा में, ये हम आपको बता चुके हैं अभी। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, 20 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए इसी सीरीज में। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज में। लगभग हम 10 सीरीज में ये 1000 क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे और हमारा उद्देश्य जल्दी ख़त्म करना नहीं है, आसानी से समझकर इसको रीड करते हुए पढ़ना है ताकि परीक्षा में हमको कोई दिक्कत ना हो। तो चलो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।